आप जीत भी जाते हैं, तो ये जो 25 संकल्प पत्र आपके संकल्प पत्र में 25 संकल्प हैं, इनको कैसे पूरा कर पाएंगे आप, क्योंकि सरकार भी आपकी नहीं है ना केंद्र में ना राज्य में, तो बजट कैसे मिल पाएगा, और नहीं मिलेगा तो फिर क्या उसका फार्मूला रहेगा, ये समझा दीजिए, क्या पता जनता को समझ में आ जाए कि आपका रोड मैप ज्यादा अच्छा है, हो सकता है ज्यादा वोट मिल जाए। देखिए जनता का भरोसा है, जनता हमारा रोड मैप समझ हो को मेरे इससे ना आकिए, क्षेत्र में जाइए और देखिए जनता क्या कह रही है, मुझे छोटा ना समझे कमाल। भगवान परशुराम का अपमान हुआ, अजय जायसवाल ने किया, तो ब्रजेश पाठक जी कहा टैक्स, हाउस टैक्स और दुकानों का किराया माफ होगा, इसको आप सुल्तानपुर के लोगों को असद का गढ़ माना जाता है, ऐसे में नगर पालिका के चुनाव की सरगर्मियां भी सुल्तानपुर में जोर शोर से बढ़ गई हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी बनाए गए हैं वरुण मिश्रा जी, पेशे से वकील भी हैं और नेता भी हैं, का संकल्प पत्र भी मेरे हाथ में है जिसमें 25 नंबर तक संकल्प लिया गया है, उस पर भी कुछ चर्चा करेंगे, संक्षिप्त बातचीत करेंगे, लेकिन उसके पहले मेरे कुछ व्यक्तिगत सवाल होंगे जो अन्य इंटरव्यू से थोड़ा सा हटकर मिलेंगे। मैं चाहता हूं संकल्प नंबर एक, बढ़ा हुआ वाटर टैक्स, हाउस टैक्स और दुकानों का किराया माफ होगा, इसको आप सुल्तानपुर के लोगों को समझाएं। देखिए कोरोना काल में जब पूरी दुनिया पीड़ित थी, कहीं ना कहीं हमारा सुल्तानपुर भी पीड़ित था, उस दौरान जो नगर पालिका ने वैसीपना दिखाया है दुकानों के किराए में, वाटर टैक्स में और हाउस टैक्स में 20% से ज्यादा की बढ़ोतरी की है, उस मनमाने कदम को मेरे चेयरमैन बनते ही मैं खत्म करूंगा। सामने आपके प्रत्याशी ऐसे हैं जो एक लंबा राजनीतिक अनुभव रखते हैं, अगर मैं जिक्र करूं भाजपा से तो अग्रवाल जी के पास भी राजनीतिक अनुभव है, आम आदमी पार्टी से दर्जा प्राप्त मंत्री रह चुके हैं, साथ ही समाजवादी पार्टी से भी उनको नगर पालिका का चुनाव का अनुभव रहा है पूर्व से। अगर यूं कहें चुनाव के मामले में तो राजनीतिक पदार्पण आप कर रहे हैं नगर पालिका में, क्या नहीं लगता है कि आपके पास राजनीतिक अनुभव का जो मामला है वो थोड़ा सा अंतर पैदा करेगा? नहीं देखिए, जहां तक अनुभव की बात है तो पिछले 17 वर्षों से मैं लगातार सड़कों पर हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ, न जाने कितने चुनाव लड़े और लड़ाए गए हैं, और जहां तक राजनीतिक अनुभव की बात है, मैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार से हूँ, मेरे परिवार ने वो सब खोया है अंग्रेजों के सामने जो उस समय बड़े बड़े राय बहादुर नहीं कर पाते थे, हमारा परिवार जमींदार परिवार था, अंग्रेजों ने हमारी कितनी संपत्तियों का नुकसान किया ये सिर्फ हम और हमारा परिवार जानते हैं, हमारे बाबा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे पंडित अमरनाथ मिश्रा जी, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रहे जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी उत्तर प्रदेश में, तो राजनीतिक अनुभव तो बहुत लंबा है, 5 पीढ़ियों का अनुभव है, तो राजनीतिक अनुभव को आप ये नहीं कह सकते कि मुझे राजनीतिक अनुभव नहीं है, यह मैं पहली बार चुनाव लड़ने आया हूँ, पिछली बार भी टिकट मिला था दुर्भाग्य से चुनाव नहीं लड़ पाया था, तो राजनीतिक अनुभव को मेरे इससे ना आकिए, क्षेत्र में जाइए और देखिए जनता क्या कह रही है, मुझे छोटा ना समझे कमाल करूंगा। 25 संकल्प पत्र हैं, 25 संकल्प पत्र में कुछ काम ऐसे हैं जिसमें आपने कहा है कि सुल्तानपुर में जाम की समस्या से आप मुक्ति दिलाएंगे, रोडमैप क्या तैयार किया है आपने जाम से मुक्ति दिलाने का? रोडमैप बहुत बेहतरीन तैयार है, कुर्सी मिलने दीजिए आपको रोड मैप दिखाई पड़ेगा, उसका इम्प्लीमेंटेशन होते हुए दिखाई पड़ेगा, रोड मैप मिलने के बाद तैयार होगा तब दिखाई पड़ेगा या तैयार है? अभी बात आपने ठीक से सुनी नहीं, मैंने कहा रोड मैप तैयार है, कुर्सी मिलने दीजिए, नेक्स्ट डे जिस दिन कुर्सी पर मैं बैठूंगा उसके दूसरे दिन से आपको अगर शहर का जाम सही होता हुआ नहीं दिखेगा, उस दिशा में प्रयास नहीं दिखेगा, तो आप ये सवाल बचा के रखिएगा। जनता को रोड मैप पहले समझा दीजिए, क्या पता जनता को समझ में आ जाए कि आपका रोड मैप ज्यादा अच्छा है, हो सकता है ज्यादा वोट मिल जाए। देखिए जनता का भरोसा है, जनता हमारा रोड मैप समझ जाएगी, लेकिन आपका मैं क्या करूंगा, इस मीडिया का क्या करूंगा, मेरा प्लान अभी आप किसी दूसरे को सर्व कर देंगे तो मैं क्या करूंगा, आजकल कॉपी का जमाना बहुत तेज चल रहा हुआ है, मेरे संकल्प पत्र में से 10 से 15 संकल्प ऐसे हैं जो दूसरी पार्टियों के लिए घुमा रहे हैं, जिनका अपना कोई विजन नहीं, वो हमारे संकल्प पत्रों को कॉपी करके बांट रहे हैं, तो इसलिए जो मेरा रोड मैप है उसे मेरे पास रहने दीजिए, समय आने पर अपने आप दिखाई पड़ेगा, पर भी सवाल किया जाएगा। हाँ निश्चित निश्चित लेता हूँ, तकरीबन जहां तक मेरी जानकारी है नगर पालिका क्षेत्र में लगभग 20,000 से ज्यादा ब्राह्मण वोटर है जी, और आपकी विपक्षी राजनीतिक पार्टी कहीं ना कहीं ब्राह्मणों के वोट को साधने के लिए ऐसा माना जाता है कि सूबे में ब्रजेश पाठक जो इसमें उप मुख्यमंत्री है ब्राह्मण के एक बड़े चेहरे के रूप में है, वह नगर पालिका में प्रचार करने के लिए सुल्तानपुर जनपद में आ भी गए, अब ऐसे में क्या लगता है आप भी ब्राह्मण के चेहरे हैं, आम आदमी पार्टी से भी ब्राह्मण के कैंडिडेट हैं और भाजपा से स्वयं ब्रजेश पाठक आते हैं, तो कहीं ब्राह्मणों के वोट बढ़ते तो नजर नहीं आ रहे, और उससे क्या कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए ब्रजेश पाठक जी सुल्तानपुर आए थे और आपने कवरेज भी किया रहा होगा,
नगर पालिका क्षेत्र के कितने ब्राह्मणों ने उस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया रहा होगा, ये भी आप जानते हैं। आज के अखबारों में भी लिखा हुआ है कि कितने ब्राह्मण आए और किराए पर कितने लोग आए, तो हम लोग सब जानते हैं। ब्राह्मण बुद्धिजीवी कौम कही जाती है, वो पूछेगा ना कि जब खुशी दुबे 11 महीने जेल में रही निर्दोष थी, किसी की पत्नी 2 दिन पहले उसकी शादी हुई थी, 11 महीने वो जेल में काटी, तब कहाँ थे? कानपुर में अवस्थी जी को, अवस्थी जी की बेटी और माँ एक साथ फूंक दिए गए, ब्रजेश पाठक जी वहाँ क्यों नहीं गए? पाठक जी ने फोन पर कहा था कि कठोर कार्रवाई करूंगा। अब आप कार्रवाई जो होती आप जानते ही होंगे, जब यहाँ पर भगवान परशुराम का अपमान हुआ अजय जायसवाल ने किया, तो ब्रजेश पाठक जी कहाँ थे? जब पूर्वांचल के मालवी कहे जाने वाले पंडित रामकिशोर त्रिपाठी जी का सुल्तानपुर की धरती पर अपमान हुआ, तो ब्रजेश पाठक जी को उस समय भी पूछना चाहिए था अगर उनको ब्राह्मणों का मत चाहिए। जनता जानती है कि जब ब्राह्मणों का मुद्दा था तो संघर्ष किसने किया था, सड़कों पर उतरा कौन था। ऐसे ही वोट कोई किसी को नहीं देगा। अब यहाँ की जनता समझदार है, और जिनकी आप बात कर रहे हैं विशेष रूप से ब्राह्मण बहुत बुद्धिजीवी होता है, उसने देखा है, पिछले 17 सालों से मुझे देख रही है, मेरी पीढ़ियों का संघर्ष देख रही है, बाबा रामलाल से लेकर पंडित अमरनाथ मिश्रा से लेकर वरुण मिश्रा तक संघर्षों का एक लंबा इतिहास रहा है। उस संघर्षों को अब फल मिलने जा रहा है, उस संघर्ष की कीमत मिलने जा रही है, नगर पालिका में परिवर्तन होने जा रहा है। लेकिन ऐसे में आप ही के सुल्तानपुर जनपद से 4 विधायक भाजपा के हैं, सांसद भाजपा के हैं, पूर्व के कैंडिडेट नगर पालिका के जो यहाँ अध्यक्ष थे वो भी भाजपा के थे, और जहां तक मुझे जानकारी है कि सरकार की मंशा के अनुरूप बजट आते हैं। ऐसे में अगर आप जीत भी जाते हैं तो ये जो 25 संकल्प पत्र आपके संकल्प पत्र में 25 संकल्प हैं, इनको कैसे पूरा कर पाएंगे आप? क्योंकि सरकार भी आपकी नहीं है, ना केंद्र में ना राज्य में, तो बजट कैसे मिल पाएगा? और नहीं मिलेगा तो फिर क्या उसका फार्मूला रहेगा आपके पास? कौन सी बात कब कहां कही जाती है, अगर ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। मुझे पता है कि मुझे कब कहां क्या करना है, और अवसर मिलने पर उसमें कोई कमी नहीं आएगी। आप निश्चिंत रहें, आश्वस्त रहें, नगर पालिका क्षेत्र में न बजट की कमी होगी, न किसी का कोई काम रुकेगा, नगर पालिका अपनी रफ्तार में चलती रहेगी। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक जनता ने सौंप दिया, और उनके भ्रष्टाचारों को भी देख लिया, 4 विधायकों को भी देख लिया, सांसद जी को भी देख लिया, और सबको देख लिया है। ये बेसिकली मुद्दों का चुनाव है, सड़कों के मुद्दों का चुनाव, जानवरों के मुद्दों का चुनाव है, आम आदमी की डेहरी से जुड़ी समस्याओं का चुनाव है। और नगर पालिका क्षेत्र में ही गोमती नदी आती है, आदि गंगा माँ गोमती बोला जाता है उनको, और सुल्तानपुर के, मेरा अंतिम सवाल है, सुल्तानपुर के लगभग मैंने कवरेज भी 1-2 किया है, जिसमें जितने भी नाले हैं लगभग गोमती में गिर रहे हैं, और गोवंशों के 100 भी उस गोमती में रहते हैं। अगर आप बन ही जाते हैं नगर पालिका अध्यक्ष, तो गोमती के लिए क्या करने वाले? संकल्प पत्र उठाइए, संकल्प पत्र खोलिए, इधर संकल्प पत्र मेरे हाथ में पढ़िए। संकल्प पत्र में एक मेरी बहुत अच्छी बात मैंने कही है, मार्केट बनवाएंगे, घाट के किनारे दोनों तरफ से पक्के होंगे, घाट के किनारे युवाओं को रोजगार हेतु गोमती हाट का निर्माण। यह मैं आपके कैमरे को भी दिखा देता हूँ। ठीक, अब आते हैं आपकी बात पर। आपने जिस सीवर टैंक की बात करी, जिस साफ सफाई की बात करी, गोमती नदी में जो नाले गिरते हैं उसकी बात की आपने, तो देखिए उसको व्यवस्थित कराने का एक तरीका मेरे पास है, और मैं जानता हूँ NGT के नियमों के तहत कैसे किस तरह से सीवर टैंकों की व्यवस्था की जानी चाहिए, नालियाँ कैसे बनाई जाती हैं, और उस वाटर को कैसे रिसाइकिल किया जाता है। चूंकि मैं विज्ञान का विद्यार्थी भी रहा हूँ, तो मुझे इस बात की जानकारी भी है, और मुझे तरीका भी पता है। समय आने दीजिए, आपको इन समस्याओं का समाधान होता हुआ सुल्तानपुर में ही, सुल्तानपुर की नगर पालिका मॉडल नगर पालिका के रूप में पूरे उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ेगी। ना आप कहीं जा रहे हैं, ना मैं कहीं जा रहा हूं, ना ये कैमरा कहीं जाएगा, ना ये माइक कहीं जाएगा। आप फिर से मेरे पास आइएगा, मैं फिर इस सवाल का जवाब दूंगा। क्या ये बात सही है? सोशल मीडिया पर 1-2 व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे पास तक आई, इसकी बात मैं पुष्टि नहीं करता। क्या ये बात सही है कि सभी सीटों पर सभासद के चुनाव नहीं लगाए जा रहे हैं या प्रत्याशी नहीं मिले? नहीं देखिए, ये बात सही है, प्रत्याशी न मिलने की बात तो कोई है ही नहीं है। पहले चुनाव क्यों नहीं लगाए जा रहे? तो बात समझिए, चुनाव में कुछ रणनीतियां ऐसी होती हैं जिनके तहत हमको काम करना होता है। कुछ हमारे ही लोग किसी वार्ड में चुनाव लड़ते रहते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरी पार्टियों के लोग भी अपने ही साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं, तो इसलिए कभी कभी परिस्थितिवश उन वार्डों में प्रत्याशी नहीं खड़े किए जाते जानबूझकर। ये भी चुनावी रणनीति का एक हिस्सा है, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।